गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस एंड रेट डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हिच आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो. सो हियर वी आर डिस्कसिंग सम एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस इन व्हिच फर्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन एट 373 केल्विन टेम्परेचर. जस्ट यू नो कि two moles of ozone will convert into 3 moles of oxygen and 2 moles of Cl2O convert into 2 molecules of chlorine plus oxygen. Another is the nitrous oxide convert into a nitrogen plus oxygen, same in the other examples in which there are so many examples for second order reactions. So this is all about second order reaction, and then we are going to discuss the some other topic which is pseudo order reactions. And students, what is a pseudo order reactions? Pseudo order reaction. Pseudo order reaction meaning आभासी कोटि की अभिक्रियाएं, जिसको हम कहते हैं क्षदम कोटि की अभिक्रियाएं, इन विच इनविजिबली दे आर सीम्स लाइक मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट इन द रिएक्शंस, बट एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ओनली वन मोल ऑफ रिएक्टेंट. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड शूड ऑर्डर रिएक्शंस. मीनिंग क्या है कि जब एक अभिक्रिया के अंदर एक से अधिक प्रकार के अभिकारक काम आते हैं, भाग लेते हैं, परंतु जो अभिक्रिया वेग जो है वो केवल और केवल एक ही अभिकारक अणु के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम आभासी या छदम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं. कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहते हैं? छदम कोटि की अभिक्रिया. फॉर एग्जाम्पल वी विल डिस्कसिंग दैट CH3COOC3 इज द मिथाइल एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ H2O इन एसिडिक मीडियम. दिस इज द एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम, कन्वर्ट इन टू एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल. Students, look here, there are two type of reactant in this reaction, which one is methyl acetate and another one is H2O. So it looks like a second order reactions because there are two type of reactants, but basically it involves only the one reactant, which is methyl acetate. In the rate law order, we can say the rate of the reaction is depend only on methyl acetate. There is no dependency of rate of reaction on H2O. Because H2O is used as a excess, so it seems like there are two types of reactants. So the rate of reaction will depend on two molecules of the reactants, and looks like a second order reactions. But there is rate of the reaction depend only on reactant, which is methyl acetate. There is no dependency on H2O, which is in excess format. So we can say that rate of the reaction is dx upon dt and methyl acetate. So you clearly see that the rate of reaction is not depend on H2 molecule. So we can say there is a zero power of concentration for H2O. So overall of this reaction is first order reaction. So it is a first order reaction, and it is only depend on the methyl acid concentration of methyl acetate. सो दैट इज कॉल्ड शूड ऑर्डर रिएक्शन, छदम कोटि की अभिक्रिया. मतलब कि इसमें अभिक्रिया का वेग केवल और केवल मिथाइल एसिटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है.
अब हम बात कर सकते हैं आगे जा करके, नेक्स्ट टॉपिक इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। स्टूडेंट्स यू नो दैट व्हेन वी इंक्रीज द 10 डिग्री ऑफ टेम्परेचर फॉर ए रिएक्शन देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स। सो वी कैन से that the rate constant of this any reactions on temperature T and the rate of reaction on temperature rate constant of the reaction on temperature plus 10 degree, there is a ratio of the rate constant is 2 or 3। meaning kya hai ki jab kisi abhikriya ka taap टेम्परेचर पे, मान लीजिए मैं इसको बताएं कि आपको 30 डिग्री के ऊपर किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर कुछ भी है, तो 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उस रिएक्शन का जो रेट है, जो अभिक्रिया वेग है, वो जस्ट डबल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं अपन लिख देते हैं, जब किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया वेग दुगना या 3 गुना हो जाता है। दुगना या 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 डिग्री ताप बढ़ाने से पहले उसका जो रेट कॉन्स्टेंट है वो क्या है, के टी है। 10 डिग्री बढ़ाने के बाद में जो भी होगा वो टी प्लस 10, मतलब उससे 10 डिग्री ज़्यादा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, रेशियो कितना आएगा, अनुपात कितना आएगा, 2 से 3 गुना आएगा। तो ये क्यों बढ़ता है ऐसा, वॉट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, कि इफ वी ओनली इंक्रीज द 10 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन देन वाई इट इज़ द ट्रिमेंडस चेंजेस विल बी अकर इन एनी टाइप ऑफ रिएक्शंस। So it is only not only because of the collision in between the molecules, or we can say the colliding molecules are not responsible for this type of increment in the rate of reaction. So we can say, मतलब हिंदी में हम बात करें तो मतलब केवल अणुओं के बीच की जो टक्कर है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जब हम किसी भी reaction का temperature, when we increase the 10 degree of the temperature, then only 2 to 3% collision will be increases. So it is not solely responsible that only 2 to 3% collision increase and the temperature and the rate of the reaction will increase 200 or 300%। मतलब केवल इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है कि अणुओं के बीच में टकरें बढ़ेंगी तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 से 3 गुना होगा, इसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं समझनी पड़ेंगी। तो इसके लिए उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट आया वो क्या था, सक्रियण ऊर्जा का सिद्धांत, या मैं कह दूं आरेनियस का सक्रियण ऊर्जा या आरेनियस का सिद्धांत। आरेनियस का सिद्धांत, अब आरेनियस का सिद्धांत क्या है, वो ये बताता है कि किस तरीके से केवल और केवल 10 डिग्री ताप बढ़ाने से उस अभिक्रिया का वेग जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। उसका इक्वेशन देखिए, के इज इक्वल टू ए की पावर ई अपॉन आर टी, जो के है वो वेग नियतांक है, ए जो है इसको आरेनियस कांस्टेंट कहेंगे। ई ए जो है सक्रियण ऊर्जा है,
गैस नियतांक है टी जो है वो टेम्परेचर है। ये सारे फैक्टर मिलाकर के रेट कांस्टेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में कि के और टी की क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं के को लिखूँ तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 1/T एक तरीके से। अगर मैं ए ई ये और आर को अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ, अब आपको बताया मैं टी को अगर ऊपर लूँगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये रिलेशन आ जाएगा ई की पावर टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी है वो के साथ में समानुपाती है और ई मतलब एक्सपोनेंशियली चरघातांक के रूप से। मतलब चरघातांक का मतलब ये होता है कि टी को अगर थोड़ा सा भी बढ़ाया जाएगा तो के मान में बहुत अधिक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। टी को अगर मामूली सा भी बढ़ाया जाता है तो के मान में बहुत अधिक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर को मामूली सा 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया गया तो के का मान 200 से 300 गुना मतलब 200 to 300% बढ़ गया। तो देखिए ये सारी चीज़ें कैसे बताती हैं। संकीर्ण ऊर्जा भी है, आप यहाँ देख सकते हैं संकीर्ण ऊर्जा के साथ में इसका जो रिलेशन आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब किसी अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान जितना कम होगा उसका के उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि संकीर्ण ऊर्जा का जो एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो इस बात को प्रेजेंट करता है कि एक प्रकार की पहाड़ी है जिसके बारे में हम बात डिस्कस करेंगे। एक प्रकार की पहाड़ी एक हिल है, एक मतलब एक पहाड़ी है जिसमें मॉलिक्यूल को ऊर्जा के अनुसार चढ़ना पड़ता है। अब जितनी ज़्यादा पहाड़ी की ऊंचाई होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स को चाहिए होगी। तो अब बात ये आती है कि मॉलिक्यूल्स के पास में जितनी एनर्जी होगी उस हिसाब से वो उस पहाड़ी को पार करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन बात ये आती है कि जो पहाड़ी है, मैं कहता हूँ कि संकीर्ण ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो वो जितनी नीचे होगी उतनी ही कम एनर्जी उन मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए होगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे।